हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वैश्विक महामारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आनंद मार्ग आश्रम गदरा एवं सभी आनंद मार्गी अपने अपने घरों में रहकर वेब टेलीकास्ट के जरिए कौशिकी दिवस मनाते नजर आए, जहां साधकों ने अभ्यास किया। नमस्कार, आज 6 सितंबर है जिसे कौशिकी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज से 43 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य विज्ञान में, योग विज्ञान में एक नया अध्याय जुड़ा। आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कौश के नृत्य देकर मातृशक्ति का, नारी जाति का कल्याण किया। आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति ने आज ही के दिन 6 सितंबर 1968 को कौशिकी नृत्य का प्रवर्तन किया था। बता दें कि कौशिकी नृत्य की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए आचार्य सत्याश्रयानंद अवधूत ने बताया कि भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी कौशिकी नृत्य के जन्मदाता हैं। यह नृत्य शारीरिक और मानसिक रोग की औषधि है। ये कौशिकी नृत्य शरीर के 22 व्याधियों से मुक्ति दिलाता है। कौशिकी के करने से सिर से पैर तक के प्रत्येक अंग, सभी ग्लैंड्स का व्यायाम होता है। यह हमें दीर्घायु बनाता है, यह एसिडिटी को दूर करता है, यह हर्निया एपेंडिसाइटिस को ठीक करता है, बात रोग चाहे वह हाथ का हो, पांव का हो, कंधे का हो, यह बात रोग को ठीक करता है। यह हमारे अंदर जो मानसिक अवसाद है उसको ठीक करता है। तो आइए हम सब इस कौशिकी नृत्य को करके अपने देह और मन को उत्तम बनाकर राष्ट्र का सही प्रेमी बने। नमस्कार। विशेषकर महिला जनित रोगों के लिए यह रामबाण है। इस नृत्य के अभ्यास से 22 रोग दूर होते हैं। सिर से पैर तक अंग प्रत्यंग और ग्रंथियों का व्यायाम होता है, मनुष्य दीर्घायु होता है। यह नृत्य महिलाओं के सुप्रसव में सहायक है। मेरुदंड के लचीलेपन की रक्षा करता है। मेरुदंड, कंधे, कमर, हाथ और अन्य संधि स्थलों का वात रोग भी दूर करता है। मन की दीर्घता और प्रखरता में भी वृद्धि होती है। साथ ही महिलाओं के कई रोग भी इससे दूर होते हैं। ब्लैडर और मूत्र नली के रोगों को भी यह दूर करता है। देह के अंग प्रत्यंगों पर अधिकतर नियंत्रण आता है। मुखमंडल और त्वचा की दीप्ति और सौंदर्य वृद्धि में यह सहायक है। कौशिकी नृत्य त्वचा पर पड़ी झुर्रियों को भी ठीक करता है। आलस्य दूर भगाता है। नींद की कमी के रोग को भी ये ठीक करता है।